हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो झारखंड वुमन T20 ट्रॉफी की जो कि मैच होने वाला है यहां से रांची रोजेस वुमन वर्सेस धनबाद डैफोडिल्स वुमन्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रांड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम देख लेते बार कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकेस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ से रिचेलो T20, यहाँ से जिम्बावे T20, शारजा T20 और सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और मेरी स्मॉल लीग की टीम आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो सारे मैचेस की वीडियो मिल जाएंगे सब, साथ में यहाँ से IPL की पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, यहाँ से फाइनल मेरी स्मॉल की टीम भी आपको यहां पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया। इनके अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिएगा फैंटास्टिक डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हैं @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना। यहां अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। बाकी इस मैच की बात करें तो यह मैच दोपहर में 12:30 पर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। वैसे तो ये बैटिंग फ्रेंडली बीच अच्छे खासे रन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से डोमेस्टिक लेवल की मैच है और उसमें भी यहाँ से वुमन मैच से ज्यादा स्कोर बनेगा नहीं। यहाँ से एक्सेप्टेड स्टेबल स्कोर यहाँ से 110 है। एवरेज स्कोर की बात करते हैं 90 से 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो बैटिंग फ्रेंडली बीच है, कोई भी प्लेयर अगर अच्छा खेल जाता है यहाँ से तो बड़े स्कोर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं अभी रांची रोजेस वुमन की। तो दो मैच खेली, दोनों मैच यहाँ से जीत के आ रही है। यहाँ से इनका जीत का कारण मुख्य कारण रह सकती है यहाँ से प्रियंका सवैया, पहली मैच के अंदर 29 रन की 3 ओवर की गेंदबाजी की 1 विकेट निकाल दिया। दूसरी मैच की बात करें तो 4 ओवर की गेंदबाजी की 1 विकेट निकाला। 5 बैटिंग से एक बार फिर से कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई, लेकिन रेगुलर बेसिस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एवरेज करीबन 23 की है इनकी और हर एक मैच के अंदर लगभग आपको पूरी वोश करती हुई भी नजर आ सकती है। तो एज ए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनती है, यहाँ से प्रियंका सवैया जरूर ट्राई करेगा। अनामिका कुमारी को जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि ओपनिंग करवाई थी लास्ट मैच के अंदर 44 रन की पारी खेली, पहली मैच के अंदर 6 रन पर जरूर आउट हो गई थी। तो यहाँ से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहने वाली यहाँ से अनामिका कुमारी और यहाँ से ईशा केसरी के बीच में। तो ईशा केसरी का ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से देख लेते हैं किसको ट्राई करना है। अभी देखो अनामिका कुमारी पहले मैच के अंदर 6 रन के, दूसरे मैच के अंदर 44 की है, तो ये पहली मैच के अंदर चली, दूसरी मैच के अंदर यहाँ से ईशा केसरी नहीं चली। तो यहाँ से दोनों ही का परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजिंग वाला रहने वाला है। बाकी ऊपर से यहाँ से अनामिका कुमारी खेलेंगी और वन डाउन यहाँ से ईशा केसरी खेलेंगी। तो देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है। तो आगे बात करते हैं यहाँ से आनंदिता किशोर और यहाँ से दिव्यानी प्रसाद, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन वाला मटेरियल से, दोनों को आप एज ए प्लेयर तो लेके जाएंगे। इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए दोनों ही प्लेयर अच्छे हैं, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। और एज ए प्लेयर दोनों में से किसी को मिस मत करना। आरती कुमारी का सिलेक्शन काफ़ी कम था यहाँ से, कहाँ गई काफ़ी नीचे चली गई यहाँ से आरती कुमारी, तो आज इनका सिलेक्शन काफ़ी कम था, हमारी टीम में ये मौजूद थी। आई थिंक शायद 27 से 28% सिलेक्शन था, वहाँ से 2 विकेट निकाल दिए थे। ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे थे, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवा लेती है। लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाल दिए और वैसे भी देखा ओवरऑल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, 8 मैच के अंदर 10 विकेट निकाले हुए। तो एज ए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनती है आरती कुमार, इनको हम मिस नहीं कर सकते, हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर करवाती हुई नजर आ सकती है और यहाँ से अच्छे खासी विकेट भी चटका सकते हैं। तो एज ए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनती है आरती कुमार। सुनीता कुमारी थोड़ी सी ओके पिक रहेगी, लेकिन ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, हालांकि बैटिंग से काफी नीचे बैटिंग कर रही है, बैटिंग से अगर ऊपर खेलेगी तो यहाँ से अच्छे खासे रन भी मार सकती है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशियल चॉइस आपके लिए रहेगी, ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। देखो क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसे सुनीता कुमारी जो है यहाँ से अनामिका कुमारी की जगह पर या फिर ईशा केसरी की जगह पर थोड़ी सी ऊपर खेल सकती है, तो कंडीशन ऐसे हो सकती है क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो उनके काफी अच्छे बोल रहे हैं। यहाँ से 4 मैच के अंदर 9 विकेट्स भी, लेकिन बैटिंग से भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है और बॉलिंग से भी ओवर से नहीं करवाई, तो यहाँ से थोड़ी सी रिस्की प्लेयर रहेंगे, तो ग्रांड लीग वगैरह में उनको ट्राई करेगा। बाकी लक्ष्मी मुर्मू को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। उर्मिला कुमारी को ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, दोनों मैच के अंदर 2-2 ओवर की है, विकेट सच में मैच के अंदर नहीं मिला, तो स्मॉल लीग के लिए तो ये भी रिस्की है, ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। पल्लवी कुमार को जरूर ट्राई करेगा, पहले मैच के अंदर उनको विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच के अंदर 3 ओवर करवाए जहां पर 1 विकेट निकाला और यहां से हर एक मैच के अंदर लगभग आपको पूरी ओवर करती हुई नजर आ सकती है। बाकी अनिता टिक्का को लेकर जा सकते हो, उन्होंने भी दोनों मैच के अंदर ओवर करवाए, पहले मैच के अंदर 3 विकेट निकाले, दूसरे मैच के अंदर विकेट नहीं मिला। बाकी ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स में भी कई बार विकेट्स मेंशन नहीं है, लेकिन पहली मैच का परफॉर्मेंस अगर देखे तो इनको लेके जा सकते हो। स्टार्टिंग ओवर की बात करते हो ऐसे उर्मिला कुमारी और ऐसे डी प्रसाद यहाँ से स्टार्टिंग में दिखेंगे और ऐसे डेथ ओवर्स में कौन दिखेगा, तो यहाँ से 70वीं ओवर यहाँ से ए कुमारी ने की,
अठारहवें ओवर से यहाँ से 20 ओवर यानी कि 19वें ओवर ए कुमारी और यहाँ से डी प्रसाद, तो ए कुमारी दो है यहाँ से, तो कौन सी, एक आरती कुमारी है और यहाँ से एक अनामिका कुमारी है, तो सॉरी आरती कुमारी, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह सकती है यहाँ से आरती कुमारी के बीच में, तो अनामिका कुमारी या फिर आरती कुमारी दोनों में कंफ्यूजन है, तो यहाँ से आरती कुमारी ने ओवर्स की थी तो अनामिका कुमारी ने ओवर्स नहीं की थी। तो बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट कौन है, यहाँ से निहारिका लास्ट मैच नहीं खेली तो हो सकता है कुछ इंजरी का इश्यू हो सकता है, बाकी यार ऐसी प्लेयर्स बेंच पे बैठने लायक प्लेयर नहीं है, करीबन 40 की एवरेज इनकी बैटिंग से और यहाँ से बॉलिंग से भी अच्छे खासे आंकड़े, पहली मैच के अंदर 3 विकेट भी निकाली है, तो हो सकता है इनकी कोई अपडेट तो अभी तक है नहीं, बाकी अगर खेलती है तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, मन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस रहने वाली है। धनबाद डैफोडिल्स ने भी लास्ट मैच काफ़ी दमदार तरीके से जीत के आ रही है, तो यहाँ से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को रहेगा कल की मैचेस, क्योंकि दोनों ही अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है, तो कल का मुकाबला थोड़ा सा यहाँ से टक्कर वाला मुकाबला होने वाला है। यहाँ का इनका जो टॉप ऑर्डर है ना, टॉप ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों ही को हमें लेके जाना है एज अ प्लेयर, तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है यहाँ से, पुष्पा महातो, मोनिका मुर्मू और यहाँ से जया कुमारी, तो जया कुमारी तो भी ओके पिक रहेंगे, लेकिन ये जो दोनों प्लेयर है यहाँ से पुष्पा महातो और मोनिका मुर्मू दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। महातो ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं की, बाकी 10 मैच के अंदर उनके भी 10 विकेट से, तो कभी भी आपको विकेट भी चटकाती हुई नजर आ सकती है, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए महातो और मुर्मू दोनों इंपॉर्टेंट है। जया कुमारी अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तभी ट्राई करेगा। देखो दिक्कत क्या है यहाँ से कि लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 0.35 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनके ओवरऑल रिकॉर्ड देखने के लिए जाए तो 4 मैच के अंदर सिर्फ 2 रन है, तो बैटिंग ऑर्डर से थोड़ा सा ऊपर प्रमोट हो जाए और यहाँ से थोड़ी बहुत रन मार दे तो फिर 2 नंबर वाली बात है, बाकी रेगुलर बेसिस पर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रहने वाला है, फिर भी अगर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखे तो उनको लेके जा सकते हो। सूर्यकिया कुमारी ओके पिक रहेंगी, यहाँ से आरती कुमारी इधर भी है एक जिन्होंने 14 मैच के अंदर 19 विकेट निकाले, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर, तो यहाँ पर भी आरती कुमारी है और वहाँ पर भी आरती कुमारी है, तो दोनों आरती कुमारी के अंदर कन्फ्यूजन होने वाली, तो कौन से आरती कुमारी को लेके जाना है लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पहली वाली जो आरती कुमारी है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंजलि दास की बात करें तो यहाँ से 4 मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, लास्ट मैच के अंदर भी 4 ओवर्स की गेंदबाजी की जहाँ पर 1 विकेट निकाला, तो एज ए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनती है यहाँ से अंजलि दास, इनको जरूर ट्राई करिएगा। खुशबू कुमारी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इन्होंने लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की गेंदबाजी की 1 विकेट निकाला, बाकी बैटिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकती है, कभी भी टीम उनको प्रमोट कर सकती है ऊपर बैटिंग के लिए, करीबन 36 की एवरेज है और कभी भी ये बंदी आपको 1-2 विकेट एक साथ में लेती हुई नजर आ सकती है, इवन साथ में अच्छी खासी यहाँ से बैटिंग भी करवा सकती है, तो ये प्लेयर जो है खुशबू कुमारी हमारे लिए डिफरेंशियल चॉइस तो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, वन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए हमारे लिए डिफरेंशियल चॉइस रहने वाली है। शांति कुमारी की बात करें तो इनको ट्राई कर सकते हो जरूर, 11 मैच के अंदर 12 विकेट है, तो हर एक मैच के अंदर लगभग आपको पूरी ओवर्स करती हुई नजर आएगी, हालांकि उनको लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं मिला था, लेकिन कंसिस्टेंसी से पूरी ओवर्स करती हुई नजर आ सकती है। श्रेया झा ओके पिक रहेंगी, बाकी श्रेयांशी अच्छी पिक है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर उन्होंने बैटिंग भी नहीं की बॉलिंग भी नहीं की, बाकी 7 मैच के अंदर 11 विकेट है, तो ये बंदी कभी भी आपको ओवर्स भी करवाती हुई नजर आ सकती है, तो ये भी तो आपको ग्रांड लीग के लिए इनको भी पिक करना है या फिर रिस्की वगैरह खेलते हो उनको ट्राई कर सकते हो। नेहा चोपड़ा 12 मैच के अंदर 14 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 2 ओवर्स की लास्ट मैच के अंदर जहाँ पर विकेट नहीं मिला, तो हर एक मैच के अंदर लगभग आपको 1-2 ओवर्स करती हुई तो नजर आ सकती है, बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहाँ से अच्छी खासी विकेट चटका रहे, तो इनका भी आपको परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग ओवर्स में कौन दिखेगा, स्टार्टिंग में और यहाँ से देश में दोनों में ही आपको शांति कुमारी और यहाँ से खुशबू कुमारी दोनों आपको स्टार्टिंग में और देश में दोनों में ही दिखेंगे, तो दोनों बॉलर्स को आप लेके जा सकते हो। बेंच की बात करते हैं ऐसे नीलम मेहता, मुस्कान कुमारी, प्रेरणा कुमारी, इनमें से कोई भी खेलेगा इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से बिल्कुल मत भूलेगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से जया कुमारी के साथ जाएंगे, बाकी और कोई अच्छा ऑप्शन था नहीं, बाकी जया कुमारी ने लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा किया, इनको हम लेके जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो ऐसे अनामिका कुमारी यहाँ से पी सावरिया, अनामिका कुमारी अगर खेले तो हम लेके जाएंगे, पी सावरिया एक अच्छी पिक है, इनको लिया है और यहाँ से खुशबू कुमारी को मैंने लिया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं ऐसे एम मुर्मू है, यहाँ से आरती कुमारी और यहाँ से आरती कुमारी, ये भी आरती कुमारी, ये भी आरती कुमारी, तो ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों को लेके जाएंगे। बाकी आनंदिता किशोर हमारी टीम में रहने वाली है। बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ से ए दास, यहाँ से डी प्रसाद और यहाँ से ए टिक्का हमारी टीम में रहने वाले, तो कुछ इस तरह से टीम बनेगी मेरी। कैप्टन हमारी रहेगी यहाँ से मुर्मू और वाइस कैप्टन हमारी लिए आरती कुमारी सेकंड वाली, तो कौन सी वाली है ये जो है वो रांची में जो आरती कुमारी उसको मैंने वाइस कैप्टनशिप दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि लास्ट जो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इनके इसका लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC
27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिलेगा सिंपल विजय ज्वाइन कर लेना। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी और अच्छे मैचेस होने वाले और सारी मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।